शाहरुख खान के बयान के बाद हुआ कंफर्म, ये अभिनेता निभाएगा महाभारत में कृष्ण का किरदार। बॉलीवुड में काफी समय से महाभारत को लेकर चर्चाएं चल रही थी। बताया जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट में आमिर खान काम करेंगे, जो भगवान कृष्ण का किरदार निभाएंगे। लेकिन कई बार इस प्रोजेक्ट को लेकर दूसरे अभिनेताओं का भी नाम सामने आया है, जिसके कारण अभी तक ये पता नहीं था कि आखिर कौन भगवान कृष्ण का किरदार निभाता नजर आएगा। लेकिन हाल ही में शाहरुख खान के दिए गए बयान के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि इस प्रोजेक्ट में आमिर खान ही नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान हाल ही में प्रदर्शित हुई है। चर्चा हो रही है कि अब आमिर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत शुरू करेंगे। हाल ही में शाहरुख खान ने जो बात कही है उससे न सिर्फ इसकी पुष्टि होती है बल्कि इस फिल्म में आमिर के रोल का पता चलता है। शाहरुख खान ने हाल ही में अपनी फिल्म जीरो का प्रमोशन करने एक इवेंट में गए थे, जहां एक फैन ने किंग खान से उनके ड्रीम रोल के बारे में पूछा। इस पर शाहरुख ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो एक बार बड़े पर्दे पर भगवान श्री कृष्ण का रोल करें। हालांकि शाहरुख ने तुरंत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये रोल तो आमिर खान कर रहे हैं। शाहरुख की इस बात से इस बात के संकेत तो मिल ही गए हैं कि आमिर की महाभारत बनने वाली है। कहा जा रहा है कि आमिर खान की महाभारत करीब 1000 करोड़ में बनेगी और बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी इस प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे। आमिर खान का प्रोजेक्ट महाभारत 5 भागों में बनाया जाएगा। महाभारत आमिर का ड्रीम प्रोजेक्ट है।